हमीरपुर जिला के अम्मण गांव में बुजुर्ग महिला को पति और बच्चों द्वारा जमीन जायदाद हथियाने को लेकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन न तो पुलिस महकमा और न ही अधिकारी इस बाबत कोई सुनवाई कर रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्ग महिला जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनों से दुखी है। अम्मण गांव की 78 साल की लीला देवी को पति और बेटा बहु पोते भी मारपीट करते हैं। हालांकि इसकी शिकायत बोरज थाना में भी करवाई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से पीड़िता बहुत परेशान है। मारपीट के दौरान बुजुर्ग को गले और शरीर में चोटें आई हैं, तो बेटी को भी टांग में गहरी चोट लगी है। पीड़ित बुजुर्ग लीला देवी ने बताया कि पिछले कुछ सालों से पति, बेटा और उनके परिवार के सदस्य मारपीट करते आ रहे हैं, जिससे वे बेहद दुखी हैं। गत 11 फरवरी को भी घर में सभी ने मारपीट की, जिसमें चोटें भी आई। लीला ने बताया कि बेटा आंगन में घसीटता है और पीटता है। उन्होंने बताया कि घर की जमीन जायदाद को हथियाने के चलते मारपीट की जाती है, जिससे बहुत परेशान है। नलके डोलू दे तरंगा दे रही हूं लोग कई बार सट्टी तै कबाड़ियां टांकियां लैनी कैनियां लैनी गुजारे तो करने बच्चा टांकियां सर लैनी कैनियां सारी सट्टी देनी चकला बेलना लिया रोटी बनाने प्रधाननियां रखे रखा के उपर बड़ी जोती आ कि थमाते नहीं जा ही हों कोई छतरी छुतरी टुटी भरती अंदर मिंजो तो इस वेले घर भी चाहते भी कमरे तीनिया भी आना जवाइया भी आना अगे बच्चे भी रिश्तेदार मेरे आना माहौल आने तो सब बनते 55 साल हो गए होंगे बिहारी गए कितने साल में मैं क्या कमाया एक बुलवाए कमाए भाई इंजो दिन आगे बिजली नहीं अन्न नहीं धन नहीं रोटी नहीं कोई बिन्ना नहीं बुढ़े च बरखा रहे मंजे दो च बरखा रहे नहीं वहीं पीड़िता की बेटी सुदेश कुमारी ने बताया कि पिछले 5-6 सालों से मारपीट की जाती है। पुलिस के पास भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है, फिर भी मदद की बजाय कर्मचारी धमकाने का काम करते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस तरह की मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी पिटाई की जाती है, घर से निकाल दिया जाता है। हमारे 5-6 सालों से कमरे की बिजली भी बंद की हुई है मेरे भाई ने और भतीजे ने, और बाप लगवाना भी चाहता है तो भी नहीं लगाते हैं। और हमें इतनी अश्लील गालियाँ दी जाती है कि हम किसी के सामने गालियों को नहीं बोल सकते हैं। बहू देती है, पोती देती है वैसी, और गंदे अश्लील आरोप लगाए जाते हैं हम पे। बार बार हमें जलील किया जाता है, और जब हमें जान पे खतरा बनाता है तो हम पुलिस को और पंचायत को फोन करते हैं, तो पुलिस भी हमारी सहायता करने की बजाय जो है हमें ही धमकी देती है। फिर हमें कहीं ना कहीं गुड्डी हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, इन नंबरों पे हमने फोन करना है, तो फिर हमारी सहायता तो क्या करनी उन्होंने, मतलब उन्होंने धमकाना और झूठी रिपोर्टें बना के जो है, जो अशोक कुमार मेरा भाई है, जो बोलेगा वो ही वो लिखेंगे और वहाँ पे भेज दी जाती है और हमें कुछ चीज़ का पता नहीं लगता। और इसमें क्या है कि अशोक कुमार जो भोरे थाने में पीएल भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, वो कोर्ट में भी उसकी ड्यूटी है, तो इस वजह से जो हमारी सुनवाई नहीं, उनका जो यारी दोस्ती में वो ही रहते हैं। पीछे भी मेरे को मारा पीटा गया तो आते पुलिस वालों ने, मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आते आज हम आपका परमानेंट इलाज करेंगे, हर रोज रोज किए करेंगे हम ऐसे। पीछे भी हमने आपके आगे रिपोर्टें दी है, आगे भी हम ऐसे देंगे। जैसे घर में पहुंचे तो इसको भी धमकाया कि आपने अपनी बेटी रखी क्यों है अपने घर में, निकालो उसको बाहर और आप भी यहाँ से जाओ।
और आज 12 को भी पुलिस आई, तब भी उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ मत रहो, अपने हमने प्रॉपर्टी थोड़ी दिलवानी है। हम सर कभी भी हमने उनको प्रॉपर्टी के लिए बुलाया कि बंटवारा करो कि हमें प्रॉपर्टी दिलवाओ। हमने तो जब हमारी जान खतरे में हो जाती है, हमारी इतना बड़ी मुश्किल से हम कमरों में घुस के किसी तरह से कुंडिया लगा के फिर हम अपनी जान बचाते हैं। तो आप मांग क्या करते हैं? मांग ये है सर कि हमें जो है हमारी सुरक्षा चाहिए और अधिकार। जब तक माँ जीवित है इसका पूरा राइट है और बच्चों का भी राइट है, उसके लिए हमने कोर्ट केस के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए हमें जो है जितनी सहायता की जाए, हमारी जो है सुरक्षा की जाए, हम यही चाहते हैं। हमारे से मारपीट ना की जाए,